थे हम सभी को। तो आज बन रही है बैगन आलू की सब्जी। और गाइस मैं बनाती पर मुझे बनाना नहीं आता है, तो मैं खाना आता है बस। तो मैंने सोचा कि आज मैं सीख लेती। नहीं गाइस, वैसे अगर बोलती है तो मैं बना देती हूँ, पर मैंने सोचा आज मैं अच्छे से और सीख लेती हूँ। गाइस सीखना भी जरूरी होता है जीवन में। तो गाइस अब देखो इसमें हमने डाल दिया है क्या क्या चीज। मैं आपको बता क्या क्या चीज डाली, देखो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने ऑयल डाला था, ठीक है। तो मम्मी बना रही है अभी इसे, ऑयल डाला था। उसके बाद हमने डाला है इसमें मेथी पचफोरन, जिसमें मेथी के दाने होते हैं, ठीक है गाइस। देखो आप देख सकते हो हमने ये बैगन और इसमें एक आलू, एक ही आलू डाल रखा है, ठीक है गाइस। अब बन रही है सब्जी, मैं आपको इसकी रेसिपी बता रही थी। तो हमने डाला था ऑयल, ऑयल के साथ हमने डाला है मसाला पिसा हुआ। पिसा हुआ मसाला में सरसों मिर्च, सरसों लहसुन और प्याज टमाटर, ये सब चीज डली हुई है गाइस, ठीक है। कुछ भी नहीं आता तुझे? तो गाइस मुझे आता है। और हमने सबसे पहले पचफोरन डाला था, तो मम्मी ना सूखी मिर्च डालना भूल गई है। सूखी मिर्च तो डाला ही नहीं इसमें, सूखी मिर्च डालो गाइस। अब ये फ्राई हो रहा है, ऑयल भी कम है, ऑयल डालो थोड़ा सा इसमें गाइस। ऑयल डालेगा तभी तो ये पकेगा, तो ऑयल डालो इसमें और थोड़ा सा शांत रहे। आज इस ब्लॉग में मैं सब्जी बनवा दूंगी, क्योंकि मुझे पता है सब्जी कैसे बनती है। ऑयल ऊपर से नहीं डलती, एक बार ही डलती है, तो मसाला भूज जाएगी तभी वो। तो गाइस इतना मसाला भूज रहा है, इतना मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। गाइस बहुत लोगों का कमेंट था कि दीदी आपने जो मेकअप किया बहुत ही ज्यादा अच्छा, और बहुत लोगों ने कमेंट किया भूत बना दी, कि भूत बना दिया। गाइस आप लोग इस वीडियो में कमेंट करना कि मैंने ब्लू ड्रेस में एक लड़की सजाई थी, कैसी नहीं है वो? वो दुल्हन नहीं है, वो लाइट मेकअप है गाइस। शाम को किसी की शादी थी, तो उसमें उस लड़की ने रेडी हुई थी, सिस्टर थी उसकी, ठीक है। तो गाइस इसको इस वीडियो में जरूर बताना कॉमेंट में कि वो थोड़ा मसाला डाल रहे हैं। तो गाइस ये है गरम मसाला, मसाला तो कुछ बेकार है तुम्हारा। ये मोनू लाया अभी नहीं, ये भाई दिन वाला ही फाड़ लिया आपने दोबारा से। गाइस आजकल पता है इन मसालों में भी मिलावट हो गई है, ये नहीं है अभी सुबह का है, ये रहा लाया जो। ये लो पकड़ो। तो गाइस हम डालते हैं सब्जी में MDH का मसाला, MDH सत मसाले, सत MDH का बाबा। तो गाइस आपको पता है MDH का बाबा तो ऊपर चले गए, ये MDH वाले जो बाबा, इसमें फोटो भी नहीं है तो मगर MDH का बाबा के साथ मेरा मोनू का फोटो है। गाइस मैं आप फोटो देखना चाहते हो? चलो दिखाओ। कहाँ पे मम्मी फोटो? आगे वाले कमरे नहीं है। आ गया मोनू, MDH फोटो कहाँ है बाबा की? है मोनू? गाइस MDH वाले बाबा के साथ फोटो है, ये री देखो गाइस, ये री, ये देखो गाइस MDH वाले बाबा। ये मोनू है छोटा सा, ये और ये MDH वाले बाबा के साथ फोटो। गाइस ये हमारे दादा लगते थे, और गाइस हम लोग मोनू, बस मोनू ही मिला था, हम लोग की आंखें खुली तो हम लोग इन्हें देख रहे। देखो गाइस ये हमारे लगते थे ससुर जी, जब हम गए थे हम इनसे मिलने। दिख नहीं रहे, इधर से दिखाओ, इधर से, इधर से देखो। देखो मोनू को जबरदस्ती उनका गार्ड जाने नहीं दे रहे थे, फिर भी मैं मोनू को जबरदस्ती भेज दी थी। देखो तो गाइस हम लोगों के पास बहुत सारी यादें हैं। मम्मी की पुरानी फोटो दिखाऊं क्या आपको? ये देखो जब मम्मी छोटी थी। ये गाइस देखो मम्मी जब छोटी सी थी, देख रहे हो? बताओ इसमें से मम्मी कौन सी है, व्हाइट वाली या फिर पिंक वाली? कॉमेंट में जरूर बताना। मम्मी देखो सेम छोटी थी तो मेरे जैसी लगती थी, देखो तू चुप रहेगी? तो गाइज मैं उस पर चिल्ला रही थी, आप पे नहीं चिल्ला रही थी। ये देखो ये है मोनू, ये मोनू की फोटो। गाइज ये एल्बम में टूट गई है, तो इस एल्बम को दोबारा बनवानी है। देखो ये बताना कौन कौन MDH वाले बाबा है ना, कमेंट में जरूर बताना। ये जो MDH की कंपनी है जिनकी मसालों की, वो यही है, पर मैं बहुत दुख के साथ कहती हूँ कि अब वो नहीं है, पर फिर भी हमारे पास फोटो में है, ठीक है गाइज। और ये इसको तो जानते होंगे आप, ये छोटा सा मोनू अब ये हो गया है बड़ा सा। तो गाइज एक फोटो और है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, आप कमेंट करना आप देखना चाहते हो नहीं देखना चाहते, मैं उसे पास से दिखाऊंगी फिर, ठीक है। मैंने सोचा था कि घर आके मैं नहा लूंगी, पर फिर आप लोगों के साथ वीडियो ब्लॉग शूट करनी थी तो मैं इसलिए नहाई नहीं,
चलो देखते हैं, मम्मी ने आधा सब्जी का काम कर दिया होगा। गाइस देखो चीनी डाल रही है सब्जी में, गाइस देखो हमारी सब्जी पक चुकी है। गाइस हमने बहुत सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी है और अपने देखो स्वाद अनुसार नमक डाल दी और ये बुड्ढे बाबा MDH वाले डाल दिए, दादा हमारे हमारे MDH वाले दादा को हमने डाल दिया इसमें, मतलब उनके मसालों को डाल दिया, कुछ भी ये हमारी लैंग्वेज समझते है। तो गाइस हमने बहुत सारी रेसिपी आप लोग के आपके साथ शेयर करी है, मगर आपने कमेंट नहीं, आपने कमेंट नहीं करे कि टेस्टी है या नहीं है। सैड बताओ, मम्मी कह रही सो सैड। तो गाइस आप लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यार देते हो, उसके लिए सभी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। तो तू क्या चाहती ना दे? नहीं बिल्कुल दे। तो गाइस पता है आपको, और मैंने ना शॉर्ट वीडियो बहुत कम कर दिया बनाना, क्योंकि ना आप लोगों के इतने सारे कमेंट आते थे, दीदी इसके ऊपर बनाओ इसके ऊपर बनाओ, तो कमेंट इतने सारे थे, तो मैंने सोचा अब किस किस का नाम लूँ, किस किस की वीडियो, कभी मेरा भी नाम ले लिया करो। बताओ अब हमने गाइस धनिया और हल्दी डाल दिया इसमें, हल्दी तो दिखी नहीं रहा, हल्दी नहीं डाले है। अच्छा हल्दी का डब्बा भी ऊपर ही होगा। तो गाइस ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताओ, कुछ पता लगा होगा गाइस को तुम कब कब क्या डाले हो इसमें? सीरियल वाइज बता देती हूँ, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको तेल डालना है, तेल डालने के बाद थोड़ा उसे गर्म होने देना है, फिर पचफोरन, उसके बाद सूखी लाल मिर्च, उसके बाद आपको मसाला मिक्सी में पीस लेना है, प्याज लहसुन और टमाटर और एक सूखी मिर्च डाल देना उसमें, और ये सरसों डाल देना पीली वाली, और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना, उसके बाद उसको इसमें डाल देना तेल में, गर्म तेल में, और उसको अच्छे से जब तक भूजना जब तक उसमें ऊपर तेल ना आ जाए। जब तेल आ जाएगा तो आप अपने ये जो आपने बैगन और आलू काटा है इसको भी इसमें फ्राई कर देना, थोड़ी देर आँच लगने देना, लगने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर उबलने देना, उबलने के बाद इसमें धनिया पत्ता डाल देना, बस भर गई सब्जी। अच्छा तो गाइज अभी ठंड चली गई है, वरना हम ना आपको चूल्हे पे खाना बना के दिखाते, क्योंकि हम चूल्हे पे बहुत ज्यादा खाना बनाते हैं। क्या क्या बात करती है, वो समझ में ही नहीं है कौन सा बात कहाँ ले जाती है बकलों। तो हम डाल रहे मसाला भूल गया हमारा, अभी ये सब्जी डल रही है, हम सब्जी डाल रहे हैं। ये तो ऐसे बकवास करती रहेगी, आपको पता ही है कुछ भी आम इमली बोलती रहती है। आप बोलो ना सीरियल वाइज, मेरे तो लोग आम इमली सुनते हैं, ये तो कुछ भी बोलती है गाइस, इसको पता ही नहीं है आम इमली। तो गाइस आप मोनू से मिलना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। और गाइस आप मोनू के पास चली गई, कभी MDH वाले बाबा के पास, कभी मेरे फोटो के पास, खाना बनाने की रेसिपी सिखा रही थी, फोटोग्राफर दिखा रही थी आपको। गाइस अब देखो बात करते करते जब MDH वाले बाबा का नाम आया तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे मिलवाया जाए। अगर आप चाहते हो मोदी जी से मिलवाना, हाँ, तो वो तो मैं कर नहीं सकती हूँ। मोदी जी का गाइज आपको पता है फरीदाबाद में मोदी जी आए थे, ये अम्बा हॉस्पिटल में, वो तो सबको मुझे मेकअप के लिए हायर किया था उन्होंने, बिल्कुल, पर मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जा रही। किसने? मोदी जी आए थे ना अम्बा में, तेरे को हायर किए थे? मुझे हायर किए थे कि आरती पार्लर वाली को बुला के लेके आ, तक तो मुझे नहीं पता लगा। तो गाइज मैं गई नहीं, मेरे अंदर भी एटीट्यूड बहुत है, मैं तो नहीं जा रही। मोदी जी पहले जब खुलबू बुलाने आएंगे मेरे पार्लर पे, तब जाऊंगा। देखो सब्जी का कलर दे दे गाइस, कोई नहीं देखो ऐसे ही दिख जाएगा ज्यादा, ठीक है गाइस। तो गाइस हमारी हमारी सब्जी बन रही है अब, ठीक है, और सारी सब्जी का श्रेय मुझे जाता है क्योंकि मैं ही लेके आई थी यहाँ पर इनको। आप खुद ही समझदार हो गाइस, किसके तरफ शेयर जाता है, समझदार। तो गाइज आपको पता है, इसको खाली गाल बजाने आता है, मैं एक रेमेडी बताने वाली हूँ आपको, बहुत रेमेडी नहीं बताएगी, बता रही हूँ मैं, ये खाली मुंह का बता सकती है, पालर का खाने में कुछ भी नहीं बताएगी। नहीं नहीं मैं आपको बताती हूँ, हेयर की रेमेडी बताती हूँ गाइज, यहाँ से निकाल। अभी मैं ना हेयर ऑयलिंग करूंगी, मैं बाल खोल लूंगा, किचन में खोल लो ना, अगर इसमें गया ना बाल, मैं ना तेरा जूड़ा ऐसे करके उखाड़ूंगी। सुनो गाइज मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ, अपनी रेमेडी घर में जाकर बताओ, जाओ प्लीज जाओ। चलो तो गाइज मैं मम्मी के पास से यहाँ आ गई हूँ, ठीक है गाइज, अभी मेरा मन नहीं है होम रेमेडी बताने का, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। अब मैं नहाऊंगी जाके, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो रही है, मैं ऑयलिंग करूँगी आज। गाइज मेरा मन पता है कौन सा तेल लगाने का, वैसे तो मैं गोले का तेल लगा लेती हूँ बालों में, आज मेरा मन है कि मैं सरसों का तेल लगाऊँ, क्योंकि गाइस बहुत दिन हो गए सरसों का तेल लगाए, और सरसों का तेल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे ना सरसों का तेल काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बचपन में मम्मी सरसों का तेल लगा के, और लाली धनिया का पत्ता दे दे मम्मी को। अच्छा
सरसों का तेल लगाती थी और मेरी दो चोटी कर देती थी और उसके बाद इतनी इतनी मोटी मोटी चोटी हो जाती थी मेरी, इतनी मोटी मोटी चोटी। अब तो बाल थोड़े बहुत जड़ गए हैं बट फिर भी ठीक कर रखे हैं मैंने। अब देखो जाके इसमें ऑयलिंग करूंगी बहुत सारी और पूरी रात रहने दूंगी और मॉर्निंग में इसको वॉश कर लूंगी। बहुत मस्त हो जाते हैं पार्लर में जाके बाल गाइस, क्योंकि पार्लर स्ट्रेट में नहीं करती हूँ। हाँ आप लोगों ने मुझसे ये पूछा था दीदी जब स्ट्रेट करते हैं तो क्या लगाया, तो मैंने आपको बताया है कि एक क्रिवो आती है सीरम, हेयर सीरम आता है उसका, स्ट्रिक्स का ब्लू या फिर येलो कलर का मिलता है, आप उसे ला के और जब स्ट्रेट करते हो पहले हल्का सा लगा लो, उसके बाद हल्के स्ट्रेट करो, उसके बाद फिर हल्का सा फिर लगा लो, इतना ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि ऑयली जैसे बाल लगेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है जब प्रेसिंग करो उससे पहले और उससे बाद में लगा लेना है। तो गाइज बहुत ही लंबी वीडियो हो गई है, आप लोग वीडियो पूरा देखना, मुझे लाइक करना, लाइक ज़रूर करना क्योंकि लाइक कम है वॉच बहुत है, देखते बहुत लोग हैं पर लाइक नहीं करते हैं। तो लाइक करके और एक बात और कमेंट में ये ज़रूर बताना कौन कौन मेरा ब्लॉग देख रहा है, उसका नाम क्या है, उसके चैनल का नाम क्या है, वो कहाँ से, ये सब मुझे लिख देना ताकि मुझे कॉमेंट पढ़ने में आसानी हो और आपका लाइक और आपका कॉमेंट देखने में आसानी हो। सो गाइज देखा मम्मी भी खिंची आई ना मेरे पास, चली आई है, देखो चलो तो मम्मी आ गई है अब गाइज और मैं ब्लॉग खत्म कर दूंगी। कोई नहीं चलो ये देखो गाइज, देखो बोल के क्या गाइज, मैं आपको रेसिपी सिखाती हूँ खाने का, लगातार रेसिपी सिखाइए। देखो गाइज मम्मी का मुंह मैच कर रहा है ये देखो। गाइज उस टाइम मैं अनमैरिड थी, ये देखो शकल से देखो सही से, मुंह तो दिखी नहीं रही, दूर रखो तब दिखेगा, ठीक है गाइज। और अब मम्मी देखो कितनी सुंदर हो गई है। गाइज मम्मी की तबीयत कम से कम एक हफ्ते से खराब चल रही है, ऐसे ही छींकती हैं और नाक पकड़ के बैठी रहती हैं, ठीक है गाइज। तो आप लोग जल्दी जल्दी कोई कोई अच्छा अच्छा दवाई बता दो कमेंट में, ठीक है जल्दी ठीक हो जाए। और पहले से मैं मोटी हो गई, नहीं तो जब छोटी थी ना तो बिल्कुल आरती इस तरह लगती थी मैं भी, देखो अब मैं मोटी हो गई क्योंकि मैं बहुत एजड भी हो गई, आरती की मम्मी हूँ, बड़ी हो गई आरती भी, पहले मैं बच्ची थी, 15-16 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी गाइज, तो उस टाइम मैं बहुत छोटी थी। और ये आप इसमें ये बताना कि मैं इसमें से ये हूँ कि ये हूँ, आप दोनों में से बताना कि मैं कौन सी हूँ गाइज, ठीक है ऐसे रखो, दिखी नहीं रही सही से, जिस तरफ सही से दिखी, हाँ हाँ ये देखो। तो गाइज आप बताना कमेंट में इसमें से मैं ये हूँ कि ये हूँ, ये आप आपको डिसाइड करके बताना कि मैं इसमें से कौन सी हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, हाँ 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 आप इसमें से कमेंट में बताना कि मैं कौन सी हूँ, ओके। तो चलो गाइज अब मैं अपने बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ, ऑयलिंग करने के बाद मैं नहाने जाऊँगी और नहाने मेरे एक दो सूट है गाइज, दो दिन से मैं ना सूट नहीं धो के जा रही थी, आज उसे धो लूँगी। और इसको क्या बता रहे धोने नहाने की बात, जाओ धो ना गाइज, मैं आपसे सब कुछ शेयर करती हूँ। तो गाइज मैं थोड़े गाइज आप थोड़ा सा बेटा ये बता दो मेरे को जुकाम कैसे जाएगी, तो गाइज जुकाम जरूर बताना कैसे जाएगी और ठीक हो जाएगा मम्मी मैंने बोल दिया है। और गाइज फिर मैं नहा के आके हो सके तो आपके साथ शॉर्ट वीडियो शेयर करूंगी। हाँ मैं आप लोगों का आज कमेंट वाला नाम लूंगी खूब सारा, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉमेंट आए हैं मुझे, तो चलो कमेंट वीडियो बना लेते हैं ना, कमेंट वीडियो बनानी है तो अभी मेरे को कमेंट करो कि मेरी एक नाम लो और कमेंट वीडियो बनाओ, मैं कहाँ से हूँ सब अपना जल्दी जल्दी नाम लिख दो, मैं वीडियो ही अपलोड कर देती हूँ, फटाफट अपना कमेंट करो, एक घंटे में फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद दोबारा एक और ब्लॉग बना दूंगी और उसमें आपका कमेंट में नाम ले दूंगी, ठीक है गाइज। तो चलो गाइज मम्मी बाय बाय कर दो इनको, जय श्री श्याम, बाय राधे जी, बाय जय श्री श्याम, क्या बोल क्या, जय श्री राम, बिल्कुल ही पागल हो गई है, जय हिंद, आशीर्वाद दे रही है क्या, बाय।